हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लक्ष्य। तो हम आ चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 17 पर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के कुछ और मेथड्स, कुछ इंप्रूव्ड मेथड्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने एक सिंगल फ्लैग सोल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का हमने एक सिंगल फ्लैग सोल्यूशन पढ़ा था, जो कि एक प्रोग्रेस ना होने की वजह से एक बढ़िया सोल्यूशन नहीं था। उसके बाद हमने पीटरसन सोल्यूशन पढ़ा। पीटरसन सोल्यूशन में क्या था? वो सिर्फ टू थ्रेड्स के लिए काम आता था, राइट। तीसरा सोल्यूशन हमारा क्या था? तीसरा हमने लॉक्स के बारे में पढ़ा था, लॉक्स एंड म्यूटेक्सेस, राइट। म्यूटेक्स लॉक्स में क्या था? ये बढ़िया तो सोल्यूशन था, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। जो हमारा काउंट वाला एक एग्जांपल था, काउंट को जब हम प्लस कर रहे थे 20 ब्लैक्स आना था, तो उसमें आ गया था 20 ब्लैक्स, राइट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम की बात करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ना बिजी वेटिंग होती है। तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोडिंग निंजास, इंडियाज लीडिंग कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि अमेजोन, अडोबी, कॉमवर्ल्ट अपने टेक्निकल इंटरव्यूज में फोकस करती हैं ओएस वाले पार्ट पर। तो इन इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए आपका ओएस वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो कोडिंग निंजास को प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ कोर्स, जो कि इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करता है। उसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे लीनस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैप करके सिखाए जाते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको वन ऑन वन डाउट सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, वो एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज से हैं। उसके अलावा मैं बोलूँ तो इस कोर्स में आपको 12 आवर से ज़्यादा का कॉन्टेंट मिलेगा। 150 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, 12 से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन करेंगे। उसके अलावा कोडिंग निंजास पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज में, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। बिजी वेटिंग क्या है? बिजी वेटिंग का सिंपल सा मतलब है कि भाई, मान लो मेरे पास ये थ्रेड 1 है और ये थ्रेड 2 है, ये मेरे पास क्रिटिकल सेक्शन था। मान लो थ्रेड 1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा चुकी है, तो जब थ्रेड 1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगी, तो यहां पर वो क्या करेगी? यहां पर एक लॉक लगा लेगी, राइट। लॉक लगा लिया थ्रेड 1 ने, और जब ये लॉक लग जाएगा, तो जब थ्रेड 2 यहां जाने की कोशिश करेगी, तो वो क्या करेगी? इस पर्टिकुलर लॉक पे वेट करेगी। और वो वेट किस टाइप का होगा? वो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है अंदर, कि किसी फ्लैग के ऊपर ये बेसिकली व्हाइल करके किसी फ्लैग के ऊपर ये बेसिकली वेट कर रहा होगा, ठीक है। इस वेट करने के चक्कर में क्या होता है? हमारी सीपीयू साइकिल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। तो क्योंकि सीपीयू साइकिल्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक इम्प्रूव्ड सोल्यूशन है इसका, ठीक है। एक थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का एक इम्प्रूव्ड सोल्यूशन है। लॉक्स भी एक बहुत अच्छा मेथड है, बट इससे बेटर एक मेथड है कंडीशनल वेरिएबल मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या, एक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मेथड प्रोवाइड करती है, जिसको मैं बोलता हूँ कंडीशनल वेरिएबल्स। अब ये कंडीशनल वेरिएबल क्या है? कंडीशनल वेरिएबल कुछ नहीं है यार, एक कंडीशनल वेरिएबल करके एक वेरिएबल है, ठीक है। वो किस किस का यूज करता है? वो किसी लॉक का यूज करता है। और दो मेथड इसके अंदर होते हैं, एक वेटिंग, दूसरा सिग्नल। अब इसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैं वेट करता रहूंगा, और जो वेट करते हुए सीपीयू साइकिल्स जो है, वो मैं वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक सिग्नल का वेट करूंगा मैं। वो सिग्नल जब आएगा, इधर एक इंटरप्ट आएगा, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आएगा। जैसे वो इंटरप्ट आएगा, तब वो पर्टिकुलर थ्रेड जो काम करना आगे शुरू होगी। जब तक के लिए सीपीयू किसी और थ्रेड, बेसिकली किसी और वर्क को, किसी और यूजफुल जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो पहले कोडिंग का एग्जांपल देखने से पहले इसे ड्रॉ करके एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो ये क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, और ये T1 थ्रेड है। अभी T1 थ्रेड जो क्या करेगी, T1 थ्रेड एक कंडीशनल वेट पे वेट करेगी, ठीक है। एक कंडीशनल वेट है यहाँ पर। जब मैं जाऊँगा यहाँ पर, एक वेट कॉल कर दूंगा, ठीक है, वेट कॉल कर दिया। अब जो T2 थ्रेड है मेरी, T2 थ्रेड, मैं चाहता हूँ कि T2 थ्रेड जो है ना, पहले एग्जीक्यूट हो। तो उस चक्कर में मैं क्या करूँगा, T2 थ्रेड क्या करेगी? T2 थ्रेड बोलेगी कि मैं पहले क्रिटिकल सेक्शन से काम कराती हूँ, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन को मैं एग्जीक्यूट कराती हूँ, उसका एक्सेस मैं ले लेती हूँ। उसके बाद मैं एक सिग्नल को कॉल करूंगी, सिग्नल को कॉल करूंगी। वो सिग्नल क्या करेगा? वो सिग्नल इस कंडीशन को नोटिफाई करेगा, ठीक है, नोटिफाई करेगा कि भाई वेट से बाहर आ जाओ, ठीक है, जो थ्रेड ब्लॉक थी उस ब्लॉकेज से बाहर आ जाओ, और दोबारा से इसको अब कंटिन्यू करो। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ सर T1 को मौका मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे T2 चलेगी, फिर T1 चलेगी।
कंफ्यूज मत हो, इसका एग्जांपल देखते हैं सीधा हम कोड करके। स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन पे यार कुछ हमने एग्जांपल लिखा है सर, सिंपली हमने पाइथन का यूज किया है इस बार पे, ठीक है। क्लियर कर देते हैं एक बार, पाइथन का यूज किया है। तो ये टी वन थ्रेड है मेरे पास, ये टी टू थ्रेड है, दो थ्रेड बनाई है। टास्क एक मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है जिसको ये एग्जीक्यूट करेंगे दोनों। और मैंने क्या करा, एक कंडीशन वेरिएबल बनाया है, ये भी थ्रेड इन के मॉड्यूल के अंदर है पाइथन में, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर काउंट करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया, कंडीशन बना दी। अब ये कंडीशन वेरिएबल ना इंटरनली कैसे यूज होता है ना, जो कंडीशन वेरिएबल जो ये पाइथन वाला भी है जो मैंने वेरिएबल बनाया अभी काउंट, ये इंटरनली ना म्यूटेक्स को यूज कर रहा होता है, यानी कि एक लॉक को यूज कर रहा होता है। ये लॉग इंटरनली इंप्लीमेंटेड है, इसकी सी प्लस प्लस की इंप्लीमेंटेशन देखोगे ना उसके अंदर हमें खुद से एक म्यूटेक्स देना पड़ता है उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर। पर पाइथन थोड़ा ज्यादा सिंपल है तो इसके अंदर ऐसे कुछ खुद से मुझे लॉग का बेसिकली म्यूटेक्स देना नहीं पड़ रहा एक्सप्लिसिटली। तो अब देखो क्या होगा। तो अब मैं देखता हूँ इसको, जैसे अब मैं पहले समझाता हूँ कि वर्क कैसे करेगा, ठीक है। वर्क कैसे करेगा, स्टार्टिंग में जो मेरे पर डन है, डन वेरिएबल है वो वन, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे पर डन वेरिएबल वन है। अब डन वन है तो होगा क्या, जब टी वन पहले एग्जीक्यूट होगी तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, आइडियली क्या होता कि टी वन पहले, क्यों डन इक्वल टू वन है, टी वन पहले पूरा एग्जीक्यूट हो जाते यहाँ पर, बेसिकली ये स्टेटमेंट प्रिंट होती, वे ये स्टेटमेंट प्रिंट होती और यहाँ से एग्जिट कर जाती। बट ऐसा नहीं होगा। होगा कैसे कि सबसे पहले टी टू वाला काम होगा सारा, फिर टी टू वाला काम होने के बाद टी वन वाला काम होगा। ये देखो कैसे, जब टी वन कॉल होगा, ठीक है, जब टी वन कॉल होगा तो वो देखेगा डन जो है वन था, ठीक है, डन जो है वो वन था, डन वन था। तो उस केस में मैंने डन वन में जाके मैंने डन को टू कर दिया साथ ही साथ, और साथ ही साथ मैंने क्या करा कि कंडीशन वेरिएबल पे यहाँ पे वेट लगा दिया। अब कंडीशन वेरिएबल इंटरनली क्या कर रहा होगा, इंटरनली क्या कर रहा होगा, जब टी वन एग्जीक्यूट हो रही होगी, ठीक है, जब टी वन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो वो क्या करेगी, इस एक लॉक करेगी इस कंडीशन वेरिएबल के अंदर। कंडीशन वेरिएबल के अंदर जो इंटरनली बता रहा था मैं, एक लॉक होगा, वो लॉक होगा, लॉक एग्जीक्यूट होगा, और लॉक के बाद मैं चेक करूंगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अब ये कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि जो ये पर्टिकुलर कंडीशन वेरिएबल है ये ट्रू तभी होता है जब कोई और थ्रेड इसको नोटिफाई करती है, ठीक है। नोटिफाई तो टी टू करेगी, टी टू ने अभी तक नोटिफाई किया नहीं है, टी टू ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, तो इस चक्कर में कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो मैं क्या करता हूँ, उसको वेट पे भेज देता हूँ, और ये वेट कुछ इस तरीके से है यहाँ पर ना, वेट एक्चुअली नहीं, थ्रेड जो है पूरी ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और सीपीयू भी फ्री हो जाता है। सीपीयू फ्री हो गया, ब्लॉक हो गया, तो बेसिकली अभी सीपीयू जो है टी वन थ्रेड के पास नहीं फंसा हुआ है, वहाँ कोई बिजी वेटिंग नहीं हो रही है और मैं वहाँ से बाहर निकल चुका हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, मान लो टी टू की बारी आई। अब टी टू जब जाएगा, टी टू ने देखा था कि डन जो है वो टू हो गया था, ठीक है, डन टू हो गया था, तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एल्स कंडीशन में वो क्या करेगा, अभी मैंने सिंपली 5 सेकंड का स्लीप लगाया ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे, अभी जब इसको रन करेंगे तो देखना कैसा दिखेगा, ठीक है। 5 सेकंड वेट करेगा, वेट करने के बाद वो बेसिकली प्रिंट करेगा वी आर सिग्नलिंग। सिग्नलिंग करने के बाद वो पर्टिकुलर कंडीशन को नोटिफाई ऑल कर देगा। नोटिफाई का मतलब क्या है, जो ये कंडीशन थी मेरी टी वन के केस में, जो कंडीशन थी इसको मैंने ट्रू कर दिया, और साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन भेजी है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भेजा है, कर्नल ऐसा कर रहा है पीछे से, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भेजा है कि टी वन थ्रेड जो ब्लॉक पड़ी हुई थी तू एक बार जाग जा, ठीक है, वेकअप एंड देन चेक द कंडीशन अगेन एंड डू द नीडफुलनेस, ठीक है। यानी कि पहले ब्लॉक थी, ब्लॉक से मैंने उसको बोला जग जा, तो जगने के बाद वो जाके कंडीशन को चेक करेगी, और चेक करने के बाद फर्दर देखते हैं कैसे काम होगा। तो क्या होगा, ब्लॉक थी, ब्लॉक के बाद मैंने कंडीशन को ट्रू कर दिया, कंडीशन ट्रू कैसे हुई है, नोटिफिकेशन से। अब क्या करेगा, वो वापस से लॉक करेगा, ठीक है, वापस से इस पोजिशन पे वापस से लॉक होगा, जो इंटरनल लॉक की मैं बात कर रहा था, वापस से लॉक होगा। लॉक होने के बाद वो चेक करेगा फिर से कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अब कंडीशन ट्रू है तो वो अब इस केस में तो कंडीशन ट्रू है, राइट, हमने नोटिफिकेशन कर दिया। अब जो है ये सेकंड, इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब आप ध्यान से देखो कि मैंने टी वन को ऑल्दो पहले थ्रो किया था, बट फिर भी टी टू पहले एग्जीक्यूट हुई फिर टी वन गई, यानी कि इस चक्कर में थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर पा रहा हूँ, राइट, विदाउट डूइंग बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग के बिना मैं थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर पा रहा हूँ। इस चक्कर में क्या होगा, कोई भी मान लो मेरे पास कोड में क्रिटिकल सेक्शन है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई टी वन थ्रेड जो वेट करे और टी टू थ्रेड जो दूसरी थ्रेड नोटिफाई करे तब वो एंटर करे, तो मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। यानी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जो सबसे पहली थ्रेड जाए, ठीक है, वो बेसिकली वेट कर ले, वेट करने के बाद जब दूसरी थ्रेड
बेसिकली जो सेकंड थ्रेड थी यहाँ पे, जो सेकंड थ्रेड थी, सेकंड थ्रेड जो अपना काम कर लेगी तब वो नोटिफिकेशन करेगी और तब हम बोलेंगे T1 थ्रेड तू अब जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में ये काफी अच्छा मेथड है, एक्सटेंसिवली यूज होता है इंडस्ट्री में भी, ठीक है, कंडीशनल वेरिएबल, क्योंकि इसमें बिजी वेटिंग नहीं होती तो सीपीयू साइकिल में वेस्ट नहीं कर रहा होता। तो लेट्स सी, एक बार रन कर लेते हैं इसको कि एग्जाम मैं सही बोल भी रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो क्या होता है। सबसे पहले मेरे पास ये प्रिंट होता है और T1 थ्रेड अभी वेट ही कर रही है, ठीक है। उसके बाद 5 सेकंड वेट करने के बाद T2 थ्रेड पहले सिग्नल कर रही है। T2 थ्रेड सिग्नल करने के बाद उसने बोला कि मेरा नोटिफिकेशन डन हो चुका है। उसके बाद कंडीशन मैट हुई है और T1 ने बेसिकली काम किया। तो अब देख रहे हो कि मैंने T2 को पहले एक्सेस दे दिया है चीजों का, उसके बाद T2 ने अलाउ किया तभी T1 आगे बढ़ी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर पा रहा हूँ विदाउट डूइंग द बिजी वेटिंग। तो ये था कंडीशनल वेरिएबल, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीमा फोर्स के बारे में। अब डिस्कस करते हैं सीमा फोर्स, ठीक है। सीमा फोर्स वर्ड तो काफी फैंसी है, बट है क्या, सिंपली एक ना इंटीजर वेरिएबल होता है, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल होता है। और किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है, अगर मान लो मेरे पास, जैसे मेरे पास मान लो कोई रिसोर्स है बट वो सिंगल नहीं है, सिंगल नहीं है, वो एक मल्टीपल रिसोर्स है। मल्टीपल मतलब क्या हो गया, मल्टीपल इंस्टेंसेज है उसके। मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक बेसिकली बड़ा प्रिंटर है और वो प्रिंटर भी कुछ इस तरीके से काम करता है, उसके अंदर कुछ सब प्रिंटर्स है, ठीक है। मान लो बड़ा प्रिंटर का सर्वर है, उसके अंदर कुछ 3-4 प्रिंटर है मेरे पास। तो सर्वर एक रिसोर्स हो गया मान लो, उसके अंदर 3 प्रिंटर अलग से हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रिंटर के 3 इंस्टेंसेज है, ठीक है। तो मल्टीपल इंस्टेंसेज का मतलब क्या, एक ही रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेज है, उसकी कॉपीज है बहुत सारी मेरे पास, ठीक है। तो जब मेरे मल्टीपल कॉपीज होती है तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ ना, कि अगर मेरे पास 3 कॉपीज है प्रिंटर की तो मैं 3 थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ उसके अंदर, राइट। 3 थ्रेड्स को मतलब मैं पैरेलली भेज सकता हूँ अंदर। तो इस केस में मुझे वैसी सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए कि मेरे पास एक ही, बेसिकली एक ही रिसोर्स है और एक ही रिसोर्स के अंदर पहले एक थ्रेड जाएगी फिर दूसरी थ्रेड जाएगी उसके बाद ही दूसरी थ्रेड जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे 3 इंस्टेंस है एक ही रिसोर्स के, तो एक बार में 3 थ्रेड जा सकती है अंदर, ठीक है। हो सकते हैं मेरे पास 10 थ्रेड हो पर 10 में से मैं एक बार में 3 ही भेजूंगा अंदर, ठीक है। तो सीमा फोर्स यहाँ इस कंडीशन में यूज होता है जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज के इंस्टेंसेज है, ठीक है, जिस एक ही रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेज है वहां पे काम आता है। ये काम कैसे करता है, तो एक बार एग्जांपल से एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, इसको समझने में आसानी होगी। मान लो मेरे पास ये रिसोर्स है, एक रिसोर्स है, उसके 3 इंस्टेंसेज है, ठीक है, 3 इंस्टेंसेज है 1, 2, 3। और मान लो मेरे पास थ्रेड्स हैं T1, T2, T10, मान लो 10 थ्रेड्स हैं। तो नॉर्मली मान लो मेरे पास म्यूटेक्स होते हैं, म्यूटेक्स क्या होता है, म्यूटेक्स किसी एक इंस्टेंसेस के लिए काम ज्यादा बढ़िया से करता है, ठीक है। एक इंस्टेंस है, एक लॉक यूज कर रहा हूँ मैं, लॉक अनलॉक करके मैं एक बहुत सारे थ्रेड्स को एक ही बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन से सीक्वेंशियली निकाल रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर देखो ज्यादा इंस्टेंसेज है मेरे पास, राइट, एक एक ज्यादा इंस्टेंसेज है। तो सीमाफोर क्या होता है, मैं सीमाफोर सिंपली एक वेरिएबल हो गया, मान लो मेरे पास सीमाफोर वेरिएबल है 3, ठीक है। इंटरनली वे कैसे बेसिकली इंप्लीमेंटेड होता है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। इसकी वैल्यू मैं बोलता हूँ कि है ना, ये नॉन जीरो नहीं जा सकता, लेस देन जीरो नहीं जा सकता, ठीक है, लेस देन जीरो नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करूँगा, सबसे पहले मैं T1 थ्रेड को भेजूंगा इधर। जैसे T1 थ्रेड इधर भेजे, उसको जैसी वो बेसिकली सीमाफोर अलाउ कर देगा, क्योंकि सीमाफोर की वैल्यू अभी 3 है, अलाउ कर देगा। और जब मैं उसको भेज देता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिक्रीमेंट कर देता हूँ, 2 सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लो T2 थ्रेड आई, T2 थ्रेड इसको मिल गई, तो फिर मैं फिर से डिक्रीमेंट कर देता हूँ। फिर जैसे T3 थ्रेड आई, फिर से मैं इसको डिक्रीमेंट कर देता हूँ, वो जीरो हो गया। जैसे ही वैल्यू जीरो होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करने लग जाता हूँ, यानी कि मैं वेट कर रहा हूँ कि T1, T2, T3 जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, जब तक क्रिटिकल सेक्शन यानी कि रिसोर्सेज को फ्री नहीं कर देती, तब तक मैं किसी और थ्रेड को इन रिसोर्सेज पे लॉक नहीं लगाने दूंगा, ठीक है, इस रिसोर्सेज पे एंटर नहीं करने दूंगा। तो मान लो अब इनकेस अब रिज्यूम करते हैं, मान लो T1 ने एग्जिट कर दिया, T1 ने एग्जिट कर दिया, जैसे ही T1 एग्जिट होगा तो मैं क्या करूंगा, इस जीरो वैल्यू को बढ़ा दूंगा, प्लस कर दूंगा, ये 1 कर दूंगा। सीमा फोर इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको 1 करूंगा। जैसे ही 1 होगा तो T4 थ्रेड मान लो जो पड़ी थी मेरे पास, T4 थ्रेड है, T4 थ्रेड चेक करेगी, ये 1 हो गया, तो T4 को मान लो ये पर्टिकुलर रिसोर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मोटा मोटा ये वर्क करता है। इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है ये एक बार डिस्कस करते हैं, कि कैसे इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है, इसके फंक्शंस कैसे नजर आते हैं और क्या इसके अंदर बिजी वेटिंग होती है, ठीक है। तो इंटरनली जो वेट की इम्प्लीमेंटेशन है, जो वेट और सिग्नल की मैं बात कर रहा था, वो सीमा फोर्स की इम्प्लीमेंटेशन है। सीमा फोर्स
वो कैसे होती है, तो मान लो मैंने एक सीमाफोर डिक्लेयर करता हूँ ना, सीमाफोर एस और टू वैल्यू से, तो इसका मतलब इसकी इंटीजर वैल्यू जो अंदर होगी वो 2 होगी, यानी कि एक बारी में दो रिसोर्स के इंस्टेंस हैं, ये ऐसा एज्यूम करेगा, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में मान लो T1 थ्रेड है, T1 थ्रेड जो है वेट कॉल करती है, तो जब भी वो वेट कॉल करेगी वो क्या करेगी, एस की जो वैल्यू है इसको डिक्रीमेंट कर देगी, तो एस जो है वो, एस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या 1 जो है लेस देन 0 है, 1 लेस देन 0 नहीं है, तो इस केस में ये रिसोर्स पर्टिकुलर मिल जाएगा, क्योंकि पर दो इंस्टेंसेस है, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मान लो T2 थ्रेड को आती है, T2 थ्रेड फिर से वेट कॉल करेगी, मान लो वेट कॉल करने के बाद वो एस को माइनस करेगी, माइनस करने के बाद एस की वैल्यू क्या रह जाएगी, माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू 0 रह जाएगी, ठीक है, 0 रह जाएगी। अब उसके बाद दोबारा से मान लो अब T3 थ्रेड आई, कोई T3 थ्रेड आई, अब रिसोर्सेज तो 2 ही थे और दोनों अभी टेकन है, T1 T2 दोनों ने ले रखे हैं, दोनों इंस्टेंसेज अभी मेरे बिजी हैं। T3 आई तो T3 ने मान लो वेट कॉल किया, तो वेट कॉल करने के बाद क्या होगा, जो एस की वैल्यू होगी वो नेगेटिव चली जाएगी, -1। जैसे ही नेगेटिव जाएगी तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, नेगेटिव जाने के बाद जो पर्टिकुलर थ्रेड है उसको मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक कर दे रहा हूँ। ब्लॉक कैसे कर रहा हूँ मैं, सिमिलर तरीका है, मतलब ऐसा ही कुछ हो रहा है जैसे कंडीशन वेरिएबल में हो रहा था ना, हम ब्लॉक कर दे रहे थे और सीपीयू किसी और बेसिकली काम में बिजी हो सकता था, सीपीयू फ्री हो जाता था, ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो मैं ये जो पर्टिकुलर थ्रेड है इस केस में -1 जो वैल्यू हो गई है मेरी, तो थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक हो गई है, सीपीयू फ्री है, ठीक है। और अब जो कोई, अब मान लो T3 के बाद T4 थ्रेड भी आती है तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी, T5 थ्रेड आती है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, ऐसे करते करते जितनी भी थ्रेड आएंगी ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनका रिसोर्सेज कितने हैं, इंस्टेंसेस कितने रिसोर्सेज के, 2, ठीक है। अब मान लो अब इन केस जब क्रिटिकल सेक्शन से काम T1 T2 दोनों कर लेंगी, क्रिटिकल सेक्शन काम दोनों कर लेंगी, अब तो क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन से काम हो गया मेरा, तो आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन से जब मैं एग्जिट करूंगा तो मैं सिग्नल कॉल कर दूंगा, यानी कि T1 थ्रेड जो है सिग्नल कॉल कर देगी, वो ये बताने के लिए कि भाई जो क्रिटिकल सेक्शन पे मैंने लॉक लगा रखा था, यानी कि जो मैंने रिसोर्स का इंस्टेंस है जो मैंने ब्लॉक किया हुआ था, वो अपने पास जो रखा हुआ था वो मैंने अब फ्री कर दिया है, तो इसके लिए मैं सिग्नल कॉल करता हूँ। अभी ब्लॉक कॉल हो रखा था, ठीक है, जो T3 थ्रेड का ब्लॉक कॉल हो रखा था, जैसे ही T1 थ्रेड ने सिग्नल कॉल किया, सिग्नल कॉल करने के बाद क्या होगा, सिग्नल कॉल करने के बाद उसने वेकअप की कॉल दी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, वेकअप की कॉल का मतलब वही सिग्नल कर दिया, सिग्नल करने के बाद क्या होगा, वापस से ये बेसिकली थ्रेड आएगी इधर, ठीक है, और इसको सीपीयू मिल जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर इस केस से जो यहाँ पे ब्लॉक थी इससे आगे एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इसके आगे मेरे पास क्रिटिकल सेक्शन होगा। बेसिकली ये किस तरीके से लिखा होता है ना, अगर मैं बताऊँ आपको, ये ऐसे लिखा होता है कि वेट, फिर क्रिटिकल सेक्शन होता है यहाँ पे, फिर सिग्नल होता है। तो जो ये पर्टिकुलर थ्रेड थी T3 थ्रेड थी वो इस पोजिशन पे वेट कर रही थी, ब्लॉक थी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर इसके बाद जैसे इस ब्लॉक के बाद क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉक के बाद सीधा क्रिटिकल सेक्शन है, तो इसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन मिलने के बाद ये वापस से बेसिकली इसको जो T1 है जो कि एग्जिट कर गई थी, T3 को मिल जाएगा। तो एक बारी में मैं इंश्योर कर पा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक बारी में 2 थ्रेड्स ही बेसिकली दो रिसोर्सेज को ब्लॉक कर रही है, यानी कि दोनों थ्रेड्स को दोनों रिसोर्स मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीमाफोर यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। जब ये T3 एग्जिट करेगी तो ये वापस से बेसिकली सिग्नल कॉल करेगी, तो वापस से सीमाफोर की वैल्यू प्लस प्लस कर देगी। तो इस तरीके से चीजें इंश्योर रहती हैं कि मेरे पास 2 ही रिसोर्सेज ब्लॉक हों एक बारे में। तो इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, कोड किया हुआ है हमने, ठीक है, कोड पे आते हैं। वहाँ पास सीमाफोर करके यहाँ पे पाइथन में मेरे पास यहाँ पे मेथड है, इसको मैं यूज करके मैं सीमाफोर बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 सीमाफोर बना दिए, ठीक है। 3 सीमाफोर का क्या मतलब है कि जो ये पर्टिकुलर रिसोर्स है, ये मेरे पास यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन है, ये जो क्रिटिकल सेक्शन है ये एक बारी में इसके 3 इंस्टेंसेस जा सकते हैं, यानी कि 3 थ्रेड इसको एक बारी में यूज कर सकती है। उसके अलावा बट मैंने थ्रेड्स कितने बनाए हैं यहाँ पे, 5। तो आप ध्यान से देखना कि एक बारी में यहाँ पे 3 ही थ्रेड्स घुसेंगे इसके अंदर, उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगी। पहले क्या हो रहा था, जब हमने लॉक्स और बेसिक कंडीशन में पढ़ा था कि एक ही थ्रेड एक बारी में जा रही थी, यहाँ पे देखो मल्टीपल थ्रेड्स जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही होंगे, बट दैट जो मल्टीपल थ्रेड्स भी जा रही हैं वो भी लिमिटेड मैनर में जा रही है, यानी कि 3 ही जा रही हैं एक बारी में, ठीक है। तो अभी इसको एक बार रन करता हूँ, इसको अगर रन करें हम तो देखो ध्यान से देखो कैसी आउटपुट आती है। तो T1 थ्रेड इज वर्किंग, T1 T2 T1 T2 T3 वर्किंग, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि एक बार में तीनों थ्रेड जा रही है। नॉर्मली क्या होता, अगर मैं लॉक्स यूज कर रहा होता तो पहले T1 थ्रेड ही तीन बेसिकली इसका ही 5 बार लूप चलता, ठीक है, फिर उसके बाद T2 थ्रेड का 5 बार लूप चलता,
इसका T3 लड़कर 5 बार लूप चलता है, फिर T4 आती है, यहाँ पे देखो T1 T2 T3 इनका साथ में ही चल रहा है। उसके बाद जब T1 T2 T3 खत्म हो जा रही है तब T4 को एक बार चांस मिला है, ठीक है, फिर T5 को चांस मिला, फिर T4 T5 इस तरीके से काम चल रहा है। तो अगर मैं मान लो डिस्कस करूँ इस चीज को, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं सीमा फोर की वैल्यू जितनी भी रखता हूँ उतनी थ्रेड्स को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पैरेलली एक्सेस मिलता है किसी भी क्रिटिकल सेक्शन का। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा प्ले राउंड करते हैं, मान लो यहाँ पे म्यूटेक्स होता है ना, एक लॉक होता है, लॉक तो एक बार में एक ही को देता, तो लॉक बना देते हैं, तो सीमा फोर की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ ना, अगर सीमा फोर की वैल्यू 1 कर दूँ तो इसको मैं बोल देता हूँ कि बाइनरी सीमा फोर है, यानी कि वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, यानी कि एक ही थ्रेड एक बार में अंदर जा सकती है। देखो अगर मैं आउटपुट करूँगा तो देखो कैसे आउटपुट आएगी, ये एकदम लॉक्स जैसी आउटपुट है, लॉक्स कंडीशन वेरिएबल इस तरीके से वर्क करेगा, 1 2 3 फिर 1 2 3, ये पहली थ्रेड 5 बार चलेगी, फिर दूसरी थ्रेड 5 बार चलेगी, फिर तीसरी थ्रेड 5 बार चलेगी, ऐसे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अगर सीमा फोर की वैल्यू जो इसकी वैल्यू है वो 1 रखता हूं तो मैं इसको बोलता हूँ बाइनरी सीमा फोर। तो और अगर मैं सीमा फोर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन 1 रख देता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ काउंटिंग सीमा फोर। काउंटिंग सीमा फोर की बोल रहा हूँ, यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, राइट, प्लस माइनस करके इस तरीके से काम हो रहा है। तो और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बाइनरी सीमा फोर ही एक्चुअल म्यूटेक्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा? मतलब जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन होती है ना, जैसे C++ में म्यूटेक्स इसी, तो कुछ म्यूटेक्स की ऐसी भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है कि इंटरनली वो बाइनरी सीमा फोर की तरह वर्क कर रहा हो, तो एब्स्ट्रैक्शन की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो ये हो गया हमारे 2 टाइप के सीमा फोर, तो हमने देख लिया यहाँ पे। अगर मैं इसको और प्ले राउंड कर सकता हूँ, मान लो मैं 5 थ्रेड को एक बारी में एक्सेस भी दे सकता हूँ, ठीक है, 5 थ्रेड को देंगे तो देखो किस तरीके से आउटपुट आ रही है, 5 थ्रेड को एक्सेस मिल गया, 5 थ्रेड पैरेलली एग्जीक्यूट कर रही है। तो ये था सीमाफोर। सीमाफोर हमने क्यों पढ़ा? सीमाफोर हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा थ्रेड्स भी आ सके, बट एक से ज्यादा भी अनलिमिटेड थ्रेड्स नहीं, कुछ लिमिटेड थ्रेड्स, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही बेसिकली किसी रिसोर्स के इंस्टेंसेस हैं। तो ये था हमारा सीमाफोर। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के हमने जो मेथड्स पढ़े वो आई होप आपको सब समझ आए होंगे। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये सारे जाके ना इनको एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार इनके कोड लिख लिख के देखो, C++ में लिख लिख के देखो, C के कोड लिख के देखो, ठीक है, पाइथन में ही ट्राई कर लो, ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। तो ये था हमारा बेसिकली ये वाला लेक्चर, और एक बार हम नोट्स पे भी नज़र डाल सकते हैं, नोट्स पे नज़र डालें तो इसकी कहानी लिख दी है सारी, कि कंडीशन वेरिएबल क्या होता है, सिग्नेचर प्रिमिटिव है, ठीक है, कंटेंशन नहीं होती यहाँ पर, और बिजी वेटिंग भी नहीं होती, सीमा फोर क्या है इसकी भी पूरी कहानी लिखती है, बस इसको पढ़ना बढ़िया से। आई होप ये जो पूरी कहानी लिखी है, समरी लिखी है, ये डेफिनेटली आपको काफ़ी मदद करेगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड बाय।